हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं कि ये देखिए, आरपीएफ रेलवे ने आरपीएफ की भर्तियां निकाली हुई हैं, बम्पर भर्तियां हैं। बहुत से काफ़ी लंबे समय से बच्चे जो आरपीएफ में जाने की सोच रहे थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से कि आरपीएफ की भर्ती निकलेंगी, तो ये भर्ती निकल चुकी हैं। और इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होना है, यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है, इसकी 1 जून डेट रखी गई, यानी 1 जून से आपका एग्ज़ाम के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी देख लें एक बार, इसकी टोटल वैकेंसी जो रखी है वो लगभग 9739 रखी है, यानी 9739 हैं, जो कॉन्स्टेबल के लिए 619 हैं और एसआई दरोगा के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए 1120 हैं। इस बार बता दें कि हम सबसे पहले ये बता दें कि इसका जो सीबीटी टाइप पेपर होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। और इस बार निगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छी रखी गई है, इसका निगेटिव मार्किंग जो रखा गया है 1/3 का रखा गया है। अब से पहले जो एग्जाम हुए उनके लिए 1/4 का था। रीजनिंग वही, जो पेपर का पैटर्न वही रहने वाला है जो पहले रहता था, यानी रीजनिंग 35 नंबर, मैथ 35 नंबर और जीए जनरल अवेयरनेस 50 नंबर। टाइम पीरियड घटा दिया है वो अब की बार बोर्ड ने, और टाइम पीरियड 2 घंटे से घटाकर 90 मिनट कर दिया है, लगभग 1.5 घंटा। देखिए, जो क्वालिफाइंग मार्क रखा है अब की बार की, क्वालिफाइंग मार्क ये है, यानी इतने पर आपको कम से कम इतना नंबर आपका होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल एससी एसटी वगैरह कोई चीज़ से भी। तो जनरल और ओबीसी के लिए 35% रखा है, यानी क्वालिफाइंग मार्क इतना आपका होना ही चाहिए। और जो ओबीसी और अदर कास्ट के लिए रखा गया है वो है आपका 30%। तो कॉन्स्टेबल मेल के लिए हम एक बार इसकी कट ऑफ की बात करें, तो जनरल का 2013 का कट ऑफ आप देखिए, 2013 में जो कट ऑफ था कॉन्स्टेबल का वो 68 था, ओबीसी के लिए 65 था, एससी के लिए 55 था, एसटी के लिए 50 था, और एक्स सर्विसमैन यानी जो भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए 48.25 था। ये टोटल 120 क्वेश्चन थे, 120 मार्क्स से ही है। और 2015 का जो कट ऑफ था वह 75 था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 72 था, एससी के लिए 65 था और एसटी के लिए 55 था, एक्स सर्विसमैन के लिए 50 हो गया था। यानी आप देख रहे हैं मेरिट क्या था, इंक्रीज कर रही थी। इस बार जो उम्मीद है मेरिट जाने की, यानी कंपटीशन भी हाई हुआ है, टाइम पीरियड भी घटा है, मगर फिर भी जो मेरिट है इससे कम नहीं जाएगी, लगभग इतनी मेरिट जाने की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं हमारी मेरिट सटीक होएगी, जैसा हम देते हैं मेरिट लगभग ऐसी ही जाती है। तो ये जनरल के लिए 85 है, 82 ओबीसी के लिए जानी है, और एससी के लिए 70, एसटी के लिए 65 और एक्स सर्विसमैन के लिए 60 जाना है अब की बार 2018 में, जो आरपीएफ की भर्ती है रे, ये कांस्टेबल के लिए है। कांस्टेबल फीमेल के लिए अगर हम बात करें, कांस्टेबल फीमेल की जनरल के लिए 80 जाएगा, ओबीसी के लिए 65 जाएगा फीमेल के लिए, एससी फीमेल के लिए 65 और एसटी फीमेल के लिए 58 जाएगा। ये कट ऑफ था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इस बार निगेटिव मार्क भी 1/3 की है, जो टोटल है यानी 120 मार्क्स हैं, 120 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। देखो, तैयारी काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी आपको दोस्तों। ये हमारा कट ऑफ जो हमने दिया है, लगभग यही कट ऑफ आने वाला है। आप इसके मुताबिक तैयारी करते हैं, आप समझते हैं कि मैं इतने नंबर ले आऊँगा तो आप सेफ हैं, अपने स्कोर को लेकर आप सेफ हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये फिजिकल फिनोमिना है, यानी क्या क्या फिजिकल चाहिए, कैसी दौड़ होगी, कैसी लंबी कूद ऊंची कूद होगी और इसका फिजिकल कैसा है एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए, और इससे भी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आपके लिए ये है कि हम अपनी अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं, यानी बोर्ड ने, रेलवे बोर्ड ने जो प्रीवियस ईयर पेपर लिए हैं कट ऑफ इसका आपके कांस्टेबल और एसआई के लिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए हम डालेंगे अपनी वीडियो में, जो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को, आपके जो आपने तैयारी की है उसका सटीक अनुमान आपको लग जाएगी कि आपका क्या तैयारी है और आपको कितनी तैयारी और करनी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो दोस्तों, प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।